पहले हैप्पी होली बोलो सबको, हैप्पी होली। बोलना पड़ेगा गाइस। सब लोग बोल रहे थे अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाओ, तो हस्बैंड जी और गाइस मैं ना नहा ली हूँ, नहा के बस मैंने अभी जस्ट ये गाउन पहन लिया, थर्सडे है तो सर वगैरह से नहाए, पानी डाल लिया और मैं आटा गूंथते गूंथते ऊपर आई हूँ। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, छोटी होली की। तो क्या क्या होता है हमारे यहाँ, क्या क्या हम करते हैं, तो बने रहिए व्लॉग में आप लोगों के साथ। आज के इस दिन की सारी कुछ डिटेल में शेयर करूँगी। तो फिलहाल किचन में बहुत टाइम लगने वाला है आज, क्योंकि खीर पूड़ी पुए सब्जी सब कुछ बनता है, तो ये बनाएंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं किचन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पर गूंथ रही थी आटा। और अभी मैंने साड़ी वगैरह नहीं पहनी है क्योंकि फिर वो गंदी हो जाएगी, मैं संभाल नहीं पाऊँगी, काम नहीं हो पाएगा मेरे से। तो मैं नहा के यहाँ पर आ गई थी और आटा वगैरह गूंदेंगे। एक तरफ मैंने खीर बनने रख दी थी, एक तरफ मैंने पुए के लिए जो बैटन तैयार करते हैं वो मैंने कर लिया था, आटा जो घोल के उसमें गुड़ का जो चाशनी सी जो बनाते हैं, मतलब वो चीज़ मैंने कर दी थी। और अभी मैं सब्जी भी कट करूँगी, आलू ब्रोकनी गोभी जो भी 3-4 चीज़ों को मिक्स करके मिक्स वेज बना देंगे। यहाँ पर आटा गूंद गया, ये देखो यहाँ पे पुए बनाएंगे इसके, यहाँ पर ये खीर बन रही है, ये देखो अभी चावल पक रहे हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा काम ऊपर का कर लेते हैं। सर्दियों के कपड़े हमारे घर में अभी तक नहीं रखे गए, और ये बच्चों के बैलून है और ये रजाई, मैं कह रही हूँ इनको रख दो, लो जो खाली है ये, लेकिन इसको सही से करो। नहीं इसमें स्पेस। अरे है ना, ये रजाई तो मैंने ऐसी फंसाई है खूब है, इसको लंबी करके फंसाओ, है नहीं स्पेस। चेयर लाऊं क्या? चेयर लाऊं? और इसको भी ऐसे फंसा दो, तभी तो बंद हो जाते हैं ये ऐसे करके। दो कोई बात नहीं, सही से नहीं था मार। अरे लंबी लंबी करके फंसा दो ना, हाँ ऐसे ही फंसा दो इधर को करके, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे तो मोटी हो जाएगी। हाँ हो तो गई, इसको बैग को अंदर करके पहले इसका लॉक लगा लो। सब नहाना है, तुम तो नहाने जा रहा, मैं कमरे रूम की सफाई करूंगी। और फ्रेंड्स मैं नीचे आटा गूंथ के आ गई हूँ, पुए बनाने, पुए के लिए भी रेडी कर दिया है पैटर्न जो होता है, और सब्जी बना दी है, खीर बना दी है, अब पुए वगैरह बनाएंगी सासू माँ। और मैं रूम क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। तो पूजा के भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी यादें हो जाती हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी नहाई हूँ, आज सुबह बिना नहाए हुए किचन में नहीं जाते हैं, फेस्टिवल जब होता है पूजा का खाना वगैरह बनता है ना, तो बिना नहाए किचन में नहीं जाते, तो इसलिए मैं नहा ली थी जाते ही। चलो फिर फटाफट से काम कर लेती हूँ, आज मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, मतलब आगे का शेयर करूँगी क्लीनिंग वगैरह रूम की, मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। ओके तो यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, और होली की पूजा में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे दिवाली होली होती है ना, इनकी पूजा में तसल्ली से थोड़ी पूजा होती है तो उसमें टाइम लगता है। और बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं कि लॉन्ग वगैरह जैसे उतारते हैं ना, तो बच्चे मानते नहीं है, कभी इधर भागना कभी उधर भागना, इनके पीछे हर बार यही चीज़ें होती हैं, मतलब इनको इतनी जल्दी होती है ना, हर चीज़ में जल्दी होती है। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बस पूजा वगैरह कर रहे थे।
सफाई करोगे? हाँ, रोज घर पे जाती हूँ खुद को। चल जा, एक मिनट सारा आएंगे ना, वो ले लियो। अरे जा, आते हैं कल लेके भी तो आ जा। देखो रहा अम्मा ने आ दे, एक मिनट काम जल्दी बैठा फिर तू फ्री। सार दिया ना मेरे, हां बैठ तेरा फिल्टर होगा काम, बस उसी का था, उसी का होता ना नहीं। ठीक है, गाइस आज मैंने ना सर वगैरह नहीं धोया है क्योंकि आज थर्सडे है ना। एक सेकंड रुको यार, सुबह सुबह ना साड़ी पहनना, फिर सारे काम करना, पूजा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सब चीज़ें करना। तो आज मेरा लुक कैसा हो रहा है ना, मैंने पहनी है ये साड़ी, है ना। और पूजा वगैरह भी हमारी हो गई है, अब मंदिर वगैरह जाते हैं, वो पूजा करेंगे। तो अभी मैं चाय वगैरह हस्बैंड के लिए बना रही हूँ क्योंकि घर पर पूजा कर ली है और उनको सुबह सुबह भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनको मैं चाय वगैरह दूँगी। चाय बनने रख कर आ गई हूँ मैं, और ऐसे उनको चार्जर नहीं मिल रहा था तो मेरे को ऊपर बुलाया कि चार्जर लेकर आ, तो उनको चार्जर देने आई थी मैं। और बस इसी तरह से आप व्लॉग में बने रहिए, आगे हम क्या करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, वो सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बने रहिए व्लॉग में। और आज के दिन खाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो वो मैंने बनाई हैं, जैसे कि पुए पूड़ी तो मेरी मदर इन लॉ ने बना दी थी, फिर सब्जी वगैरह, खीर वगैरह, आटा वगैरह मैंने गूंद दिया, सब कुछ रेडी कर दिया था, सिर्फ उन्होंने पूड़ी वगैरह बनाई। तो गाइज़ यहाँ पर हम जा रहे थे मंदिर होली पूजने, सुबह जो मतलब जो होती है ना कि होली पूजते हैं, उपले वगैरह या लकड़ी वगैरह जो भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसके होलिका के 5-7 जो भी चक्कर लगाने वो चक्कर लगा रहे हैं, कलावा और पानी भी लेते हैं, भूल गए थे पानी लेना, फिर बाद में पानी लिया, याद आ गया था। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपनी मदर इन लॉ के साथ। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह हो रही है, और आप लोगों की यहाँ कैसे कैसे पूजा होती है मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो इस तरीके से हम पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मंदिर में भी पूजा वगैरह कर लिया, प्रसाद वगैरह मैंने ले लिया, और अब हम चलेंगे घर। यहाँ देखो बच्चों की होली स्टार्ट है, आरव को देख लो, नक्श को देख लो, मतलब इनकी सुबह सुबह ही होली स्टार्ट। तो गाइस अब हम पूजा करके आ गए हैं, और यहाँ पे रख के मैं आप लोगों से बात करते हैं, तो आज यहाँ पे रख के बात करते हैं। तो एक सेकंड, अच्छा ठीक है। तो
फ्रेंड्स मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ। अब मेरे को मतलब वही सबके घर में पूजा वगैरह चल रही है और अब हम नाश्ता वगैरह करेंगे, ठीक है? तो चलो, एंड अगेन आप सबको हैप्पी होली। जोत जल रही है मेरी। तो फ्रेंड्स आज है ये बना चाय हो गई, थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी हो गई, पूरी हो गई और ये बहुत यम्मी वाली टेस्टी बिल्कुल रबड़ी की तरह खीर बनी है वो हो गई। अब मैं साड़ी चेंज करूँगी और खाऊंगी। तो गाइस मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ। ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं सुबह के, मतलब जल्दी जल्दी करते करते भी 11 बज ही गए हैं। बट ये तो पूजा ऐसी होती है आज की होली की कि लेट ही होती है, 12 बजे के बाद भी बहुत से लोग करते हैं। मतलब होली की तो पूजा लेट ही होती है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने टाइम से सब कुछ कर लिया तो इसलिए हो गया। चलो तो फिर मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं थोड़ा सा सामने का दिखा रही हूँ, मतलब मैं ये दिखा रही हूँ कि जॉइंट फैमिली में कैसे कैसे सब लोग एक साथ पूजा करते हैं, कि हमने कर ली थी तो यहाँ पर सामने जेठानी जी हैं, उनके बच्चे वगैरह पूजा कर रहे थे। तो गाइज मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, साड़ी वगैरह पहन रखी थी तो मैंने अब पहन लिया ये सूट। और तो हार है यार, मतलब ये होता है कि कहीं जाना होता नहीं है तो पहनना होता नहीं है, तो इसलिए सोचा कि आज त्योहार है तो त्योहार पे अच्छे से रेडी होते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो अभी मैं इसलिए भी रेडी हुई थी कि मैं दो चार रील्स वगैरह बनाऊंगी, मैं अपने रूम में रील्स बना लेती हूँ। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हो, सोनिया सिंह 1080 है मेरी ईमेल, मतलब मेरी इंस्टा आईडी, तो आप लोग उससे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मतलब 3,500-4,000 हो गए हैं मेरे फॉलोवर्स, तो उसके लिए थैंक यू इंस्टा फैमिली को भी और यूट्यूब फैमिली को भी, क्योंकि यूट्यूब से भी बहुत लोग वहाँ पर गए होंगे तो इसीलिए। और मैं व्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा तो इसको यहीं पे एंड करते हैं और यहाँ से एक सेकंड व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए देखते रहिए। और गाइज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, बहुत आप लोगों को मज़ा आने वाला है, मेरी फैमिली को देख के आप लोगों को मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।